नमस्कार। अभी किसानों का एक बहुत बड़ा मार्च दिल्ली में होने वाला था, लेकिन अभी कैंसिल कर दिया गया है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब किसानों को आश्वासन दिया है कि MSP पर एक कमेटी गठित की गई है और बहुत जल्दी इसका निवारण करेगी, इसके लिए इन्होंने किसानों ने आंदोलन एक बार स्थगित कर दिया है। अभी आपने सुना होगा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून भी वापस ले लिए हैं और संसद में इसे पारित करने के लिए योजना भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का, जिस पर सरकार वो फसल खरीदती है उसको MSP बोलते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार MSP पर कानून क्यों नहीं बनाती? और यहां तक कि अपन नरेंद्र मोदी सरकार का ही सवाल नहीं करेंगे, 1965 में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी उसके बाद से MSP लागू हो गई थी और MSP पर फसल खरीदी जा रही है। तकरीबन 23 फसलों पर सरकार हर साल MSP पर खरीदती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है किसानों को। लेकिन सवाल यह आ रहा है कि आखिर सरकार MSP पर कानून क्यों नहीं बना रही है? इतने साल हो गए, अभी नरेंद्र मोदी के सरकार के सामने भी ये चैलेंज आ रहा है कि MSP पर कानून बनाया जाए। इससे पहले 2 बार UPA की सरकार रही थी, तब भी किसानों ने मांग उठाई थी कि MSP पर कानून बनाया जाए। उससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई और गई और वहां पर भी ये मुद्दा उठा कि MSP पर कानून बनाया जाए। तो आखिर सवाल यह है कि गवर्नमेंट, कितनी ही गवर्नमेंट आई और गई इंडिया में, लेकिन MSP पर कानून क्यों नहीं बनाया गया? आखिर क्या दिक्कत है MSP पर कानून बनाने से? आज इसके बारे में अपन जानेंगे। व्यावहारिक दिक्कतें देखिए, आप अगर सरकार MSP पर कानून बना दे तो इसका सीधा सा मतलब होगा राइट टू MSP। राइट टू MSP मतलब किसानों को अधिकार होगा। अभी तो क्या है कि अभी तो यह है कि सरकार अगर MSP दे नहीं दे तो भी ये सरकार के ऊपर है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर सरकार कानून बना दे तो इसके ऊपर सीधा सा मतलब होगा राइट टू MSP, किसानों को अधिकार होगा कि उसी कीमत पर जो सरकार तय करती है उसी कीमत पर किसान फसल बेचेंगे और उसे उस कीमत के नीचे किसान फसल नहीं बेचेंगे, ये किसानों के पास अधिकार हो जाएगा। और यानी किसानों के पास अधिकार होगा, उन्हें MSP पर अगर फसल की कीमत नहीं मिलती तो वो कोर्ट जा सकते हैं और सजा दिला सकते हैं। अगर मान लो MSP पर उनको वो कीमत नहीं मिले तो वो कोर्ट जा सकते हैं और सजा दिला सकते हैं, अगर MSP पर कानून बन जाए तो। सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये है। दूसरी दिक्कत, यदि देश में कभी गेहूं या चावल की उपज ज्यादा हो जाती है और बाजार में कीमतें गिर जाती हैं, फसल खरीदने वाले व्यापारी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, व्यापारी कानून के डर से कम कीमत में फसल खरीदेंगे ही नहीं और ऐसे में अनाज किसानों के पास पड़ा सड़ जाएगा। अब पॉइंट की बात यह है, अगर सरकार MSP का कानून बना दे और अगर कभी ऐसा हो कि या गेहूं या चावल की फसल बहुत ज़्यादा हो जाए और बाजार में कीमतें गिर जाती है और सरकार तो कानून बना देती है कि भाई इतनी कीमत पर ही फसल खरीदनी है, अब अगर बाजार में कीमतें कम होगी तो व्यापारी इतनी हाई कीमत पर फसल किसानों से क्यों खरीदेंगे? पॉइंट की नंबर वन पॉइंट की बात नोट करिए आप। और जब अन्य व्यापारी किसानों से माल नहीं खरीदेंगे, किसानों से फसल नहीं खरीदेंगे, तो वो फसल आखिर किसानों से कौन खरीदेगा? और रही बात अगर सरकार भी खरीद लेगी किसानों से, अगर व्यापारी नहीं खरीदेंगे और सरकार भी खरीद लेगी कोई बात नहीं, लेकिन सरकार उस फसल को कहां देगी? सरकार को इतना घाटा होगा, वो घाटा कैसे वहन करेगी सरकार? क्यों? क्योंकि मार्केट में तो फसलों के दाम कम है और सरकार को कानून के हिसाब से उस कीमत पर फसल खरीदनी होगी। तो मेन व्यवहारिक दिक्कत यहां आ रही है, अगर कभी उपज ज्यादा हो गई और उसकी कीमतें बाजार में गिर गई तो उन फसलों को किसानों से कौन खरीदेगा? व्यापारी तो खरीदने से रहे। और अभी प्रेजेंट टाइम में यह स्थिति है कि बहुत सारी फसलों को व्यापारी भी खरीदते हैं, प्राइवेट व्यापारी, और सरकार भी खरीदती है। क्यों? क्योंकि कीमतें बराबर है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसी कीमत पर खरीदना है।
तो प्राइवेट व्यापारी भी किसानों से फसल खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कानून बनने के बाद में प्राइवेट व्यापारी किसानों से फसल क्यों खरीदेगा? वो क्यों नुकसान में सौदा करेगा? जब वो उस कीमत पर किसानों से खरीदेगा और सामने वाले उस रेट पर उनको कीमत नहीं मिलेगी तो व्यापारी को नुकसान होगा और व्यापारी वो फसल खरीदेंगे नहीं, और सरकार खरीद भी लेगी तो सरकार को भी नुकसान होगा। तो यह व्यापारिक एक दिक्कत आ रही है। सेकंड, फेयर एवरेज क्वालिटी। अभी जिन फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है उसकी एक क्वालिटी, एक गुणवत्ता तय होती है, उसी पर एमएसपी मिलता है। फेयर एवरेज क्वालिटी देखिए आप, अभी एमएसपी मिलता है एक क्वालिटी, एक जैसे कि गेहूं और एक चावल की क्वालिटी होती है। गवर्नमेंट के अधिकारी जो आते हैं किसानों से फसलें खरीदते हैं, वो एक क्वालिटी चेक करते हैं, उस पर एमएसपी देते हैं। अब अगर मान लो कभी किसी सीजन में मौसम खराब रहा, ज़्यादा सर्दी पड़ गई, गेहूं खराब हो गए, या फिर बिन मौसम बारिश हो गई और गेहूं या चावल खराब हो गए, तो उस कंडीशन में जब उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी तब उस फसल को कौन खरीदेगा? जब इधर तो कानून बन जाएगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदनी है, लेकिन जब उस फसल की क्वालिटी तय नहीं होगी तो कैसे कोई उस फसल को उस मूल्य पर खरीदेगा? अभी अगर थोड़ी सी भी फसल खराब होती है ना, तो समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीदी जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक फेयर एज क्वालिटी तय होती है, और जब ये फेयर एज क्वालिटी तय होगी ना, तब अगर उस फसल की क्वालिटी सही नहीं होगी तो उस फसल को कौन खरीदेगा? और कानून के मुताबिक तो समर्थन मूल्य पर वो फसल खरीदनी होगी। आर्थिक दिक्कतें देखिए, आर्थिक दिक्कतें क्या है सरकार को अगर एमएसपी पर कानून बना दे तो? नंबर वन, सबसे बड़ा सवाल नोट करना आप, पैसा कहां से आएगा? कानून बना दे कोई बात नहीं एमएसपी, लेकिन पैसा कहां से आएगा? अगर किसानों से सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने लग गए तो कम से कम अपने करों को 3 गुना बढ़ाना होगा। अभी जो अपन टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उन टैक्स को 3 गुना बढ़ाना होगा अगर सरकार एमएसपी दे किसानों को। और ये सारा बोझ आम पब्लिक पे ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार पैसा कहां से लाएगी? अपने टैक्स से ही तो सरकार चलती है, तो यही टैक्स 3 गुना अपने ऊपर बढ़ जाएगा। अभी केंद्र सरकार की सालाना कमाई 16.5 लाख करोड़ रुपए है। देखिए आप, अभी सालाना कमाई केंद्र सरकार की 16.5 लाख करोड़ रुपए है। अगर सभी 23 फसलों पर एमएसपी पर करनी पड़े तो 17 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। देखिए आप, 17 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे सरकार को। सबसे बड़ी जो भी जितनी भी सरकारें आई है अभी तक हिंदुस्तान में, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही आई है कि अगर एमएसपी बना भी दें, एमएसपी पर कानून बना भी दें, तो उसके खरीद के लिए पैसा कहां से आएगा? सबसे बड़ी समस्या ये आई है, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए आप, 16.5 लाख करोड़ रुपए हैं केंद्र सरकार की सालाना इनकम, तो 17 लाख करोड़ तो एमएसपी पर खरीद पे भी चले जाएंगे, बाकी जन कल्याण योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? यह नोट करिए आप। सेकंड, अगर एमएसपी पर कानून बना तो, अब देखिए आप नोट करने वाली बात देखिए, अगर एमएसपी पर कानून बना तो सभी फसलों पर लागू होगा। 23 फसलों पर तो हो रही हो रहा, फिर दूसरे आम छोटे किसान भी तो दूसरी फसलों के भी तो एमएसपी पर कानून की मांग करेंगे, और वो उस पर भी लागू होगा, उस पर भी सरकार को एमएसपी पर देनी होगी, तो उसके लिए भी पैसा कहां से आएगा? दूसरी फसलों के किसान भी मांग करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 85%, अब नोट करना आप, सरकार की जो इनकम है इसमें 85% हिस्सा तो सरकार अपनी इनकम एमएसपी पर खर्च कर देगी। 100% सरकार की इनकम हो रही, ध्यान से नोट करना आप, अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना दे और सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदे तो कम से कम 85% पैसा तो एमएसपी पर ही चला जाएगा, बाकी 25% पैसे से क्या होगा? ना तो जन कल्याणकारी योजनाएं काम करेगी, ना कुछ काम होगा, और देश एक तरह से रुक जाएगा। मेन पॉइंट के बाद यही है कि पैसा कहां से आएगा?
जब तक सरकार के पास पैसा नहीं होगा ना तो एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता। इनकम बढ़ानी होगी और वो इनकम कहां से बढ़ेगी? आम पब्लिक से, टैक्स से ही इनकम बढ़ेगी। तो वही बात हो गई, अपना ही पैसा अपन को ही देना है। थर्ड, इतने अनाज का स्टोर कहां से होगा? चलो ठीक बात है, पैसा भी आ गया, सब कुछ सही हो गया, लेकिन इतने अनाज का स्टोरेज कहां से हो गया? अभी भी वर्तमान में भारत सरकार के पास कम से कम 2 साल तक एक्स्ट्रा अनाज अभी तक पड़ा हुआ है। अगर अपने देश इंडिया में अगर अनाज ना भी हो 2 साल तक, तो उतना एक्स्ट्रा भंडारण सरकार के पास पड़ा है। और अभी एमएसपी पर खरीद नहीं होती है तो दूसरे प्राइवेट व्यापारी भी अनाज खरीदते हैं किसानों के और अपने प्राइवेट गोदामों में रख देते हैं। लेकिन जब एमएसपी पर कानून बन जाएगा और प्राइवेट व्यापारी खरीदेंगे नहीं किसानों से, सारी फसल केंद्र सरकार को खरीदनी होगी, और जब वो खरीद लेगी सारी फसल तो उतना स्टोरेज कहां से होगा? इट इज इम्पॉसिबल। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा इनकम खर्च करनी होगी सरकार को, तो ये दिक्कत आती है सरकार को। सरकार एमएसपी पर अगर कानून लागू करे ना तो सबसे बड़ी बात और ये निकल के आती है, महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी ना, आम आदमी गेहूं नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? देखिए, कॉस्ट बढ़ जाती है। अब कॉस्ट कैसे बढ़ती है अगर एमएसपी पर सरकार, आप क्या सोचते हो? एमएसपी पर सरकार ने कीमत तय कर दी, जैसे कि मान लो 2000 रुपए एक क्विंटल की एमएसपी तय कर दी गेहूं के ऊपर, तो आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ 2000 ही खर्च करेगी एक क्विंटल पर? नो, नेवर, आपकी भूल है ये। इसके ऊपर और कौन से खर्चे लगते हैं जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे? देखिए, सरकार एमएसपी पर मंडी से गेहूं खरीदने के लिए 14% एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है। पता है आपको कैसे? जैसे मंडी टैक्स, आरती टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज आदि, ये तो बढ़ते जो बढ़ते ही हैं टैक्स। और देखिए आप, 12% गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी खर्चा आता है। अब इंडिया में सारी जगह से अगर गेहूं खरीदने हैं तो अगर एक जगह स्टोरेज करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका भी खर्चा आता है। उसका खर्च किसको वहन करना पड़ेगा? सरकार को ही वहन करना पड़ेगा। थर्ड, 8% गोदाम खर्च, जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, गोदाम में स्टोरेज करेंगे, उसका भी तो खर्च आएगा ना। कुल मिला के सरकार जब गेहूं खरीदती है ना, उसके ऊपर 34% एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आप तो यहां देखते हो कि नहीं, सरकार को एमएसपी पर गेहूं खरीदने चाहिए या चावल खरीदने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर और एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट लग रही है वो आपको पता ही नहीं है। 34% एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब ये कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब मार्केट में सरकार गेहूं आम पब्लिक को बेचेगी तो इतने महंगे गेहूं कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। महंगाई बढ़ेगी, सारा स्टोरेज सरकार के पास हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गेहूं पड़े पड़े ही सड़ जाएगा। आम आदमी के पास इतनी हैसियत नहीं होगी कि वो इतने महंगे गेहूं खरीद सके। अभी तो सरकार कुछ फसलों पर एमएसपी तय करती है और उनको खरीद रही है, तो सरकार को उसमें घाटा भी उठाना पड़ रहा है, आपको पता है उसमें। तो अगर सारी फसलों को सरकार ऐसा करेगी तो इतना पैसा कहां से लाएगी? और महंगाई सबसे बड़ा इसका एक रीजन है। इसीलिए भारत की कोई भी सरकारों ने अभी तक फसलों पर एमएसपी पर कानून नहीं बनाया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप, अमेरिका का एक उदाहरण है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने कार्यकाल में 1977 से 1981 अपने कार्यकाल में एक इन्होंने भी एक ऐसे किया था, किसानों के आर्थिक दशा सुधारने के लिए डेयरी फार्म जो किसान होते हैं ना, दूध बेचते हैं, उनके आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए एमएसपी तय कर दी दूध के ऊपर। अब एमएसपी दूध के ऊपर तय कर दी तो क्या हुआ? देखिए आप, फर्म वाले, डेयरी फर्म वाले सरकार को दूध बेचने लगे, सारा दूध वो सरकार को बेचने लगे, आम पब्लिक को उन्होंने दूध नहीं बेचा, सारा दूध सरकार को बेचा, तो उससे क्या हुआ? सरकार के पास में दूध का अंबार लग गया और महंगी कीमत पर खपत न हो सके और कानून वापस लेना पड़ा। अमेरिका की सरकार ने दूध पर एमएसपी तो तय कर दी, अब सारे किसान आम पब्लिक को तो दूध नहीं बेचने लगे और सारा दूध
सरकार को बेचने लगे और सरकार के पास उस दूध का अंबार लग गया और उस दूध की कीमत बढ़ गई जब उन्होंने एमएसपी पर खरीदी। तो जब वो बढ़ी हुई कीमत पर जब सरकार ने दूध आम पब्लिक को बेचना चाहा तो वो दूध बिका ही नहीं, क्योंकि इतनी महंगी कीमत पर कौन दूध खरीदेगा, तो उनको एक कानून वापस लेना पड़ा। तो ऐसे कुछ व्यावहारिक कुछ आर्थिक दिक्कतें हैं, इसलिए सरकार एमएसपी पर अभी तक कानून नहीं ला सकी है। अब सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार की जाए और आम पब्लिक के ऊपर भी इसका बोझ न पड़े और भारत की आर्थिक स्थिति भी कमजोर न हो, कोई ऐसा बीच का रास्ता सरकार को निकालना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।